हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके हेयर की क्वालिटी के अकॉर्डिंग आपके लिए कैसा हेयर ऑयल बेस्ट रहेगा। आप चाहे तो बहुत सारे हेयर ऑयल्स को मिक्स करके एक बहुत अच्छा हेयर ऑयल बना सकते हैं जो आपके बालों की सारी समस्याओं का समाधान करेगा। सो जल्दी से चलते हैं हम और देखते हैं इंग्रीडियंट्स। मैंने यह 4 टाइप के तेल लिए जो मेरे पास घर में अवेलेबल थे। आप चाहे तो जिस भी क्वालिटी का, जोन सा मर्जी, जिस टाइप का आप चाहते हो उसके बेनिफिट्स के अकॉर्डिंग आप यूज़ कर सकते हैं ऑयल एज पर योर अवेलेबिलिटी। जो आपके घर में तेल अवेलेबल हो उसके अकॉर्डिंग आप यूज़ करेंगे। मैंने यहाँ ऑलिव ऑयल लिया है, कोकोनट ऑयल, सरसों का तेल जो हमारे घर में मोस्टली अवेलेबल होता है, और मैंने यहाँ एक और लिया है, इट्स कैस्टर ऑयल जिसे हम कहते हैं अंडी का तेल। इन सब के फ़ायदे बहुत ज़्यादा है हमारे हेयर्स के लिए स्पेशली। सबसे पहले मैं बात करती हूँ सरसों के तेल की। सरसों के तेल हमारे जो बालों में डैंड्रफ होता है, जिसे रूसी बोला जाता है हिंदी में, उसको बहुत हद तक ख़त्म करता है। ये हमारे बालों को बहुत डीप कंडीशनिंग में करता है, लेकिन इस तेल को पहले हल्का गुनगुना करके ही इस्तेमाल करना चाहिए, तभी हमारे हेयर की लेंथ और हमारे हेयर्स को बूस्टअप कर पाएगा बाय रिड्यूसिंग आर हेयर फॉलिकल्स। और ये मसाजिंग के लिए बहुत अच्छा तेल है। सेकेंड, वी मूव अकॉर्डिंग टू द ऑयल्स, गोले का तेल, नारियल तेल और कोकोनट ऑयल। मैंने पतंजलि का लिया है, पतंजलि का प्योर तेल, कोकोनट ऑयल। यू कैन टेक एडिबल ऑयल और विच एवर ब्रांड यू प्रेफर। कोकोनट ऑयल जिस सिल्की करने में बालों के लिए बहुत अच्छा है। कोकोनट ऑयल से हमारे बालों की डीप कंडीशनिंग होती है, वो हमारे हेयर्स को बहुत ज़्यादा स्मूथ और सिल्की टेक्सचर देते हैं, जिससे हमारे हेयर्स बहुत ज़्यादा फ्लॉलेस दिखें और बहुत शाइनी और लस्टरस हों। थर्ड, वी मूव अराउंड ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल हमारे हेयर्स की लेंथ को बहुत ज़्यादा बूस्टअप करने में हेल्प करता है। हमारे हेयर की लेंथ के साथ साथ ये ग्रोथ में भी करता है और हमारी रूट्स को स्ट्रेंथन भी करता है। हमारे हेयर रूट्स अगर वीकन होती हैं तो हमारे बहुत ज़्यादा बालों का टूटना गिरना हो जाता है, बट ये सब प्रिवेंट करते हैं। फोर्थ, वी आई एम टेकिंग कैस्टर ऑयल, अंडी का तेल। अगर आपको अपने बालों की ग्रोथ को बहुत जल्दी बूस्टअप करना है तो कैस्टर ऑयल इज़ अमेजिंग। कैस्टर ऑयल इज़ प्रेफरेबल फॉर ईच एंड एवरीवन। ये हमारे बालों को बहुत तेज़ी से बढ़ने के लिए देता है। इसके अंदर जो फैटी एसिड्स और जो भी विटामिन होते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। मैं इतना विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन एक्स, एंटीऑक्सीडेंट के बारे में डिस्कस नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आपको जो भी ये वीडियोस देखनी है और जो पढ़ना है, गूगल है हमारे पास, हम गूगल पे जाके सर्च आउट कर सकते हैं। सो हम देखते हैं इन ऑयल को किस प्रोपोर्शन में मिक्स करना है। यहाँ मैंने 2 चम्मच सरसों का तेल लिया है, इसके अंदर मैं 2 चम्मच ही कैस्टर ऑयल डालूंगी। मैंने पहले से प्री हीटेड कैस्टर ऑयल लिया है और प्री हीटेड ही सरसों का तेल लिया है। अंडी का तेल थोड़ा ज़्यादा हैवी होता है तो इसको मुझे हीटन करना पड़ा थोड़ा सा। नाउ आई एम एडिंग ऑलिव ऑयल। अब मैं सेम प्रोपोर्शन में ही ऑलिव ऑयल डाल रही हूँ, 2 चम्मच। और लास्टली आई एम एडिंग कोकोनट ऑयल। कोकोनट हमारे स्प्लिट एंड्स को भी बहुत हद तक कम करता है। अगर आप चाहें तो आप इसके अंदर एलोवेरा जेल भी डाल सकते हैं, जिससे आपके हेयर की लिए एक रामबाण हो जाएगा। ये बहुत सारे इलाज एक साथ बहुत अच्छे से। ये ऑयल आप चाहें तो पूरी रात लगाकर सो सकते हैं, या आप चाहें तो इसको सिर्फ आधा घंटे लगाएं और उसके बाद एक माइल्ड शैम्पू से धो लें। अगर आपके हेयर्स बहुत ऑयली हैं तो आप स्पेशली ऑयल कंट्रोल वाला ही शैम्पू यूज़ करें जो ऑयली हेयर्स के लिए आता है। लोटस में बहुत अच्छा सा अवेलेबल है, अगर आप चाहें तो मैं आपको लिंक भी रेफ़र कर दूंगी। सो हेयर इज़ द ऑयल जो आप यूज़ करें अपने हेयर्स के लिए, जिससे आपके बालों की हर समस्या का समाधान हो पाए। एंड प्लीज़ शेयर योर रिजल्ट इन वीडियोज़ और इन कमेंट सेक्शन। लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब बिलो फॉर मोर वीडियोज़। बाय बाय, लव यू ऑल।